नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रद्युत और आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निकल्स। मैं आज आपको बताऊंगा LDAP सर्वर के बारे में। एक्चुअली मैंने पहले एक LDAP सर्वर का वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ, लेकिन उसमें सब मैन्युअली था, मैन्युअली कैसे कॉन्फ़िगर करना, मैन्युअली ऐड करना है सब कुछ। लेकिन इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप LDAP ऐड या फिर LDAP मॉडिफाई से कैसे ऐड करेंगे पूरा कॉन्फ़िगरेशन को बिना जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन उसको छुए। एक्चुअली LDAP क्या है दोस्तों? LDAP है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्चुअली क्या कहते हैं, विंडोज़ में जैसे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं? यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो डोमेन के अंदर जितना भी क्लाइंट है उन लोगों को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसका परमिशन, उसका एक्सेस, सब कुछ हम लोग यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी से डिसाइड करते हैं। तो LDAP कुछ एक्टिव डायरेक्टरी तरह ही है जो यूज़र ऑथेंटिकेट करता है, कोई यूज़र लॉगिन करके आपका डोमेन में काम कर सके उसके लिए। तो इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूँ आपको कैसे सेटअप करते हैं उसका। उसके लिए देखिए मेरा यहाँ पे दिया है जो एनवायरनमेंट है उसमें मेरा सर्वर एक है, एक क्लाइंट एक है, तो दो सर्वर यहाँ पे मैंने या फिर दो मशीन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इस सेटअप के लिए। तो एक तो मेरा सर्वर हो गया dns.polytechnicals.com और दूसरा वाला मेरा क्लाइंट हो गया client.polytechnicals.com। सर DNS जो है मेरा, वो मेरा DNS सर्वर है, ऑलरेडी मैंने उसमें DNS सर्वर सेटअप करके रखा है और उसका IP 100.68.80.120 और क्लाइंट जो है उसका IP है 80.128 और दोनों CentOS सर्वर है, वो एक सर्वर एक क्लाइंट है LDAP का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास DNS सर्वर नहीं हो तो आपका होस्ट फाइल में एंट्री देना पड़ेगा सर्वर और क्लाइंट दोनों का। अगर DNS सर्वर आपके पास है, बना चुके हैं, तो ये नहीं चाहिए। तब जैसे मैं दिखा रहा हूँ vi/etc होस्ट जो फाइल है उसके अंदर जाके आपको ये एंट्री करना पड़ेगा, आपका सर्वर और क्लाइंट का एंट्री, अगर आपके पास DNS सर्वर नहीं हो तो। मेरे पास तो DNS सर्वर है तो मैं ये सेटअप नहीं करूँगा। अभी मैं दिखाऊँगा कन्फिगरेशन। अभी क्या करता हूँ, ये मेरा एक टर्मिनल इल्यूमिनेटर है जिससे मैं क्या करूँगा, अपना सर्वर में लॉग इन करूँगा, अपने LDAP सर्वर में SSH करके, जो मेरा एक VM है। तो यूज़र का नाम है DNS1 और IP एड्रेस है 192.168.120। मैं पासवर्ड देके मैं लॉगिन करता हूँ। तो मैं भी सर्वर पे लॉगिन हो चुका हूँ। अभी क्या है, एक्चुअली अभी मैं चेक इसका IP चेक कर लेता हूँ सर्वर का। ये देखिए मेरा सर्वर का IP। अभी नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट में इसका रूट में चला जाता हूँ, रूट पे चला जाके इसका रेपो फाइल चेक करूँगा एक बार, क्योंकि मुझे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना है। तो अगर रेपो फाइल ठीक नहीं रहेगा तो पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैं उस EM का रेपो फाइल चेक करके देखा तो वो ठीक ठाक ही है, चल रहा है। अभी एक क्वेरी करूँगा कि OpenLDAP पैकेज क्या क्या है इंस्टॉल, पहले से अगर इंस्टॉल है तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो rpm-qa grep OpenLDAP, तो इसमें देखिए एक ही पैकेज दिखा रहा है OpenLDAP का जो इंस्टॉल है। तो अभी मुझे एक्चुअल चाहिए OpenLDAP सर्वर्स, OpenLDAP क्लाइंट, उसके बाद OpenLDAP सर्वर्स SQL और माइग्रेशन टूल्स, वो सब चाहिए होगा पैकेज। तो अभी मैं एक्स्ट्रा कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ, फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, अगर नेक्स्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए होगा। तो इसके लिए OpenLDAP सर्वर्स, OpenLDAP क्लाइंट्स, फिर कॉम्पैट OpenLDAP और OpenLDAP सर्वर SQL माइग्रेशन टूल, ये सब पैकेज में इंस्टॉल करूँगा। तो अभी मैं ये सब पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ। हाइफ़न वाई इसलिए दिया है कि बार बार मुझे यस नो करना ना पड़े, हाइफ़न वाई देने से डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है, आपको पूछता नहीं कि इंस्टॉल करना है कि नहीं। अभी पैकेज कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अभी क्या करूँगा, अभी मैं सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ, जो सर्विस है LDAP सर्विस उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो LDAP सर्विस क्या है, SLAPD जो है वो LDAP के लिए यूज़ होता है। अभी इसको एनेबल कर दूँगा ताकि मेरा सिस्टम जब बूट होगा तब उसके साथ ही सर्विस एनेबल होकर स्टार्ट होगा। अभी जो नेक्स्ट है वो क्या करूँगा, चेक करूँगा, वेरीफाई करूँगा कि LDAP जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो ठीक ठाक हुआ कि नहीं। तो उसके लिए क्या है, कमांड netstat -aantup
दोस्तों यहाँ पे नेट स्टेट मतलब सॉरी नेट स्टेट मतलब नेटवर्क स्टेटिस्टिक्स, ये क्या करता है, ये कमांड लाइन टूल है जो नेटवर्क कनेक्शन को मॉनिटर करता है, बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों को, और रूटिंग टेबल भी वो मॉनिटर करता है। तो उसके साथ जो है मैंने लिखा ANTUP, तो उसका मैं दिखाता हूँ नेट सेट का हेल्प में क्या है। एक्चुअली ए फॉर ऑल, जितना भी कनेक्शन है सबके लिए शो करेगा, ये देखिए ऑल डिस्प्ले ऑल सॉकेट्स, जितना भी सॉकेट कनेक्टेड है वो शो करेगा। और उसके बाद एन है मतलब न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब आपका जो होस्ट कनेक्टेड होगा उसका न्यूमेरिक, उसका जो आईपी है वो शो करेगा, लेकिन उसका होस्ट नेम शो नहीं करेगा, रिजॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे लिखा रहा है न्यूमेरिक होस्ट, न्यूमेरिक पोर्ट, न्यूमेरिक यूज़र, सब न्यूमेरिक वैल्यू आपको देगा, पोर्ट नंबर देगा, लेकिन उसका होस्ट नेम या पोर्ट नेम या फिर यूज़र नेम कुछ आपको रिजॉल्व करके नहीं देगा। तो इसलिए ANTUP, और P है आपका क्या, प्रोसेस आईडी, जितना भी प्रोसेस आईडी है सॉकेट में वो शो करेगा। तो बाकी रह गया TNU, TNU मतलब TCP एंड UDP प्रोटोकॉल जो है उसके लिए यूज़ होता है। तो कमांड है netstat ANTUP, तो netstat ANTUP का मतलब है, मतलब नेटवर्क स्टेटिस्टिक देखना है किसका, आपका जितना भी कनेक्शन है उसका जिसका न्यूमेरिक वैल्यू हो, और TCP UDP का जितना भी कनेक्शन है उसका पूरा नेटवर्क स्टेटिस्टिक देखना है विथ प्रोसेस आईडी। तो इसलिए ये कमांड यूज़ किया जाता है। और पाइप ग्रेप मतलब, ग्रेप का मतलब वो सर्च करना, जितना भी पोर्ट है वो सर्च करेगा। -i मतलब इंटरफेस, कौन सा, वो जो LDAP का जो है 389, उस इंटरफेस का जितना भी है वो सर्च करेगा यहाँ पे। अभी एंटर करने के बाद देखिए लिसन दिखा रहा है यहाँ पे, तो मतलब आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करूँगा, मैं उसका पासवर्ड सेट करूँगा, जो रूट पासवर्ड होगा LDAP के लिए, तो SLAP PASSWD, क्योंकि हम लोग रूट पासवर्ड सेट करते हैं LDAP सर्वर के लिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी ऐसे दिखा दिया था, वो अभी फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ कैसे हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं LDAP रूट के लिए। अभी क्या करूँगा, जो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको एक फाइल में मैं सेव कर दूँगा, क्योंकि पासवर्ड चाहिए होगा हमको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। तो ये एनक्रिप्टेड जो दिखा रहा है उसी को हमको सेव करेंगे रूट के अंदर, पास बोल के एक फाइल बना दिया मैंने, उसमें हम लोग क्या कर देंगे उसको सेव कर देते हैं। तो अभी चेक करता हूँ पासवर्ड सेव हुआ कि नहीं, रूट पास, हाँ सेव हो गया। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको जो OpenLDAP का जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर होगा वो कहाँ पे हो मैं दिखाता हूँ आपको, वो है etc OpenLDAP SLAPD और CN config के अंदर, जो उसका डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जिसमें उसका डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम लास्ट वीडियो में मैंने क्या दिखाया था, यही से हम मैंने मॉडिफाई किया था उसके जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अभी जो करूँगा वो मैं कमांड से मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि डायरेक्टली जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन उसमें मॉडिफाई करना वो आपका वैलिड नहीं है, रिकमेंडेड है कि आप कमांड से उसको एडिट करें। ये दो फाइल है, 2hdb.ldif और 1monitor.ldif, ये दो फाइल में हम लोग एंट्री करेंगे OpenLDAP का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये दोनों एक्चुअली डाटाबेस फाइल है, इस डाटाबेस में हम लोग एंट्री करेंगे डायरेक्टली, इसलिए नहीं, वो रिकमेंडेड नहीं है डायरेक्टली उसको वो करना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फाइल क्रिएट कर देते हैं vim LDAP db.ldif बोल के। इस फाइल में क्या करूँगा, मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँगा और इसको रिडायरेक्ट करूँगा, मतलब सेंड करूँगा उस जो उसका डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें। LDIF मतलब LDAP डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड प्लेन टेक्स्ट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जो LDAP का डायरेक्टरी कंटेंट और अपडेट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कोई अगर आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और रिनेम, वो LDIF फॉर्मेट में करना पड़ेगा आपको LDAP में। तो इसमें क्या है, मैं एक DN सेट कर देता हूँ, डिस्टिंग्विश नेम, OLC डाटाबेस, जो उसमें नाम लिखा होगा सेम वैसे लिखूँगा मैं जी, DN OLC डाटाबेस इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 2hdb डॉट। तभी मैं ये सब पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ, हाँ ये डैश नहीं होगा, ये इक्वल्स कर देता हूँ, इक्वल्स होगा। एक्चुअली जो OLC डाटाबेस इक्वल्स टू ब्रैकेट 2hdb, एक्चुअली मैंने वही से लिया जो उसका डिफ़ॉल्ट डाटाबेस है,
ETC ओपन LDAP SLAPD CN config के अंदर जिसका डिफॉल्ट डाटाबेस है ये, इससे ही मैंने लिया है A to Z वो नाम, क्योंकि हमको इसी में उसको रिडायरेक्ट करना होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे सेंड करना होगा इसी फाइल में। अभी जो नेक्स्ट है वो है चेंज टाइप। चेंज टाइप इसलिए क्योंकि ये मॉडिफाई LDAP मॉडिफाई से मैं क्या करूँगा उसमें मैं सेंड करूँगा कॉन्फ़िगरेशन, तो चेंज टाइप मॉडिफाई। और रिप्लेस क्या क्या है वो अभी OLC सफिक्स क्या है, OLC सफिक्स एक डाटाबेस सफिक्स है, एक पकड़ लीजिए डोमेन नेम है जो LDAP सर्वर के लिए हम लोग सेटअप करेंगे। तो एक्चुअली मेरा DNS पहले से ही, जो मेरा एग्जिस्टिंग DNS है मैं उसी को सेटअप करूँगा LDAP के अंदर। तो OLX सफिक्स में क्या करूँगा, मैं DNS आपका नाम दे दूँगा DC Polytechnicals, DC.com, मतलब polytechnicals.com मेरा DNS नेम है। अभी जो नेक्स्ट है वो क्या करूँगा, मैं रूट यूज़र क्रिएट करूँगा जो एडमिन होगा इस डाटाबेस का, जो मॉडिफाई वही कर पाएगा, जो एड वही एडमिन कर पाएगा, तो उसके लिए मैं क्रिएट करूँगा। तो सेम वही DN OLC डाटाबेस जो पहला लाइन लिखा है उस फाइल का नाम, फिर चेंज टाइप मॉडिफाई होगा। और रिप्लेस में क्या होगा, रिप्लेस पे होगा रूट डिस्टिंग्विश नेम, जो रूट होगा इस डाटाबेस का उसका लिखूँगा OLC root DN। तो रूट डिस्टिंग्विश नेम एक्चुअली क्या है, रूट DN जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एक यूज़र का इंफॉर्मेशन है जो एडमिन होगा इस LDAP डाटाबेस का, जो मॉडिफाई कर पाएगा फिर यूज़र वगैरह को ऐड कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग रूट DN जो रूट डिस्टिंग्विश नेम जो है वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़र है LDAP ADM जो मैंने लिखा है यहाँ पे LDAP एडमिन, वो है यूज़र, मतलब जो रूट यूज़र होगा। और बाकी तो मेरा DNS का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, डोमेन कंट्रोलर जो है। और नेक्स्ट जो एंट्री होगा वो है आपका पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड रूट यूज़र के लिए सेट किया था, जो पहले जो जहाँ पे कॉपी करके रखा था पासवर्ड, तो वही पासवर्ड अभी यहाँ पे मुझे एंट्री करना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर से लेके DN जो लिखा हुआ है ऊपर में, सेम चीज़ मुझे एंट्री करना पड़ेगा, तो इसलिए कॉपी एंड पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे जाके वो ऐड कर दूँगा, चेंज टाइप जैसे मॉडिफाई होगा, फिर रिप्लेस होगा आपका रूट पासवर्ड, चेंज टाइप मॉडिफाई जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है, और रिप्लेस में होगा आपका रूट पासवर्ड, मतलब PW रूट PW। तो OLC रूट PW मैंने यहाँ पे वो कर दिया रिप्लेस में, मतलब OLC PW जो मैंने यहाँ पे टाइप किया उसमें मुझे वो पासवर्ड एंट्री करना पड़ेगा जो पासवर्ड मैंने ऊपर क्रिएट किया है। ये पासवर्ड क्या होगा, ये पासवर्ड होगा रूट डोमेन के लिए, जो डोमेन नहीं सॉरी रूट डिस्टिंग्विश नेम, मतलब जो यूज़र मैंने क्रिएट किया है वो यूज़र इस पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करेगा कोई भी ऐड या फिर मॉडिफाई जो नेक्स्ट होगा। तो ये तो फाइल मैंने सेव कर दिया है कॉन्फ़िगरेशन टाइप करके। अभी क्या करूँगा, उस फाइल को ये OLC डाटाबेस 2 HDB में मैं सेंड करूँगा, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को उसमें अपडेट करूँगा। तो उसके लिए जो कमांड है LDAP मॉडिफाई -y एक्सटर्नल -h फिर उसके बाद LDAP i:// मतलब उसका LDAP का जो डिफॉल्ट फोल्डर है कॉन्फ़िगरेशन का उसी में चला जाएगा। और फाइल नेम -f मतलब फाइल नेम डाल देता हूँ LDAPDB.LDIF। तो ये मतलब जो दिखा रहा हूँ ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पे वही पे चला जाएगा। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा भी एक लेटर भी इधर उधर होता है तो ये सक्सेसफुली नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हो गया एंट्री, मॉडिफाई एंट्री बोल के लिखा हुआ आता है, अगर कुछ भी एक भी लेटर आपका ठीक नहीं रहता तो नहीं एरर हो जाता। अभी नेक्स्ट जो है जो मॉनिटर फाइल जो है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो मॉनिटर फाइल है उसके लिए एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो मॉनिटर फाइल है OLC डेटाबेस के अंदर, तो उसका एंट्री अभी यहाँ पे दूंगा, मतलब ऐसा ही कुछ
जो पहले जो मैंने LDAP TV का एक LDAP फाइल बनाया है, सेम वैसे एक मॉनिटर फाइल मैं उसमें भी लिखूंगा, अभी लिख के उसका फिर से सेंड करूंगा मॉनिटर फाइल में। तो सेम वैसे DN OLC डाटाबेस आपका क्या होगा, 1, क्योंकि उसका वैल्यू 1 था, मॉनिटर कॉमा CN मतलब इक्वल्स टू कॉन्फिग। पूरा कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल्स और एक एक वर्ड जो है वो CN क्या है, DN क्या है, वो सब मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। नीचे पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स में लिखा होगा एक एक चीज़ किसको क्या बोलते हैं और किस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे चेंज टाइप मॉडिफाई जो पहले देख लिया आपने, पहले फाइल की तरह ही है, और रिप्लेस में है OLC एक्सेस, क्योंकि ये OLC एक्सेस क्या है एक्चुअली, जो यूज़र को मैं एक्सेस दूंगा मॉनिटरिंग के लिए उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एक्चुअली वो बहुत लंबा लाइन है, इसलिए मैं ये जो फाइल है डिफ़ॉल्ट फाइल है OpenLDAP के अंदर फोल्डर के अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल से मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। ये कल हुआ नहीं है, कॉपी हुआ नहीं है, हाँ कॉपी। ये एक्चुअली मैंने क्या किया, ये जो पूरा लाइन है ये ETC OpenLDAP SLAPD CN config के अंदर जो मॉनिटर फाइल है OLC डेटाबेस 1 मॉनिटर, वहाँ से कॉपी किया है पूरा फाइल। ये कुछ नहीं, यहाँ पे यूज़र ID, यहाँ पे देखिए ग्रुप ID, यूज़र ID या फिर CN नेम, वो सब मेंशन किया हुआ है। ऑथेंटिकेशन वही है, उसको क्या करता है वो जो LDAP एडमिन जो यूज़र है उसको ये ऑथेंटिकेट करता है इस फाइल को मॉनिटर करने के लिए, मतलब इस डाटाबेस को मॉनिटर करने के लिए। तो इसीलिए मैंने LDAP एडमिन और मेरा डोमेन कंट्रोलर नेम वहाँ पे मेंशन किया है। अभी ये फाइल को सेव कर देता हूँ और इस फाइल को भी मैं मॉडिफाई करके उस LDAP डाटाबेस में अपडेट कर दूँगा। सेव कर दिया, अब क्या करूँगा, LDAP मॉडिफाई -y क्या है, -h क्या है, वो भी मैं दिखाऊँगा आपको। एक्सटर्नल -h करके क्या करूँगा, LDAP i:// -f, और जो फाइल मैंने क्रिएट किया है monitor.ldif उसका नाम, और एंटर। अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ रहा, कुछ एरर आया तो एरर दिखा देगा, सेव नहीं होगा फाइल, अपडेट नहीं होगा। मैं इसको ये जो फाइल है OLC डाटाबेस monitor.ldif उसमें रिडायरेक्ट करूँगा, मतलब उस पर सेंड करूँगा, डाटाबेस अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एक्चुअली पहले जो मैंने OLDAP का जो वीडियो शेयर किया उसमें मैंने मैन्युअली अपडेट किया था, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस LDAP मॉडिफाई से उसको अपडेट करना पड़ेगा, LDAP मॉडिफाई जो कमांड है। अभी दोनों तो कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं, दोनों मॉनिटर फाइल और उसका। अभी क्या है, एक सर्टिफिकेट फाइल जो जनरेट करूँगा, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट फाइल जनरेट करने के लिए। तो जो फाइल का लोकेशन होगा, तो ETC OpenLDAP के अंदर एक सर्ट्स बोल के एक फोल्डर में जो सर्टिफिकेट जो क्रिएट करूँगा उस फोल्डर में मुझे वो सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने कमांड टाइप किया था उसमें मैंने चेक किया था वो फोल्डर है कि नहीं, तो फोल्डर तो है नहीं, तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे फाइल जनरेट करता है। तो OpenSSL req मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, -new मतलब नया एक की जनरेट करने के लिए, और -x59 ये जो है ये एक्चुअली एक ऑथेंटिकेशन है इस फाइल को जनरेट करने के लिए, जो ऑथेंटिकेट ये x509 करता है। -notes और -out हाइफ़न नोट इसलिए यूज़ होता है कि जो फाइल क्रिएट होगा या फिर जो की फाइल क्रिएट होगा वो एनक्रिप्टेड होगा, और आपका जो हाइफ़न आउट जो है एक्चुअली वो आउट किस लिए है, जो आउटपुट फाइल जनरेट होगा उसका नाम जो स्पेसिफाई करने के लिए, किस नाम से वो आउटपुट फाइल जनरेट होगा उसके लिए। जो आउटपुट फाइल क्रिएट होगा उसका लोकेशन दे देता हूँ, ETC OpenLDAP सर्ट्स बोल के जो फोल्डर उसके अंदर होगा, और फाइल का नाम होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने तरफ से मेंशन किया है poltech.pem, उसका एक्सटेंशन .pem होगा जो फाइल क्रिएट होगा। तो मैंने जो सर्टिफिकेट फाइल का नाम poltech दिया है, और हाइफ़न की आउट किया है, अगर वो की फाइल होगा वो सर्टिफिकेट फाइल के लिए आउट होता है, की फाइल के लिए
आपका क्या होगा, वो की आउट होगा। तभी मैं ऐसा पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ हाईफे, नाम क्या होगा उसमें की आउट, फिर एंटर कर देता हूँ। डेज मतलब कितना दिन के लिए आप सर्टिफिकेट का वैलिडिटी वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने कमांड में देख यहाँ पे एक एरर दे दिया है, रुके मैं फिर से बताऊंगा आपको पूरा ये कमांड किस लिए एरर दिया, मैं पहले देख लेता हूँ। ये एरर एक्चुअली दिया है जो सर्च जो फोल्डर में जो लोकेशन दिया है वो लोकेशन है ही नहीं, सर्च जो फोल्डर है वो फोल्डर तो है ही नहीं OpenLF के अंदर। तो पहले मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ MKDIR करके /etc/OpenLF, उसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है सर्च CERTS। अभी वो फाइल जनरेट करता हूँ। हाँ, जो बता रहा था मैं, जो हम लोग डेज किस लिए मेंशन करते हैं, वो एक्स जो मैंने 509 जो मेंशन किया है उसमें क्या होता है आपका, अगर ये मेंशन करते हैं आप फाइल जनरेशन में मतलब की जनरेशन में, तो आपको डेज देना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसका 30 डेज लेता है उसका वैलिडिटी। अगर ये मेंशन नहीं करते, ये मेंशन करने का मतलब भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज के लिए आपका ये की और सर्टिफिकेट फाइल वैलिड है, इसलिए हम लोग डेज मेंशन करते हैं एक साल के लिए। जैसे 365 डेज मैंने मेंशन कर दिया। अभी ये एंटर करने के बाद आपका ये आया है, इसमें आपको मैन्युअली कुछ एंट्री करना पड़ेगा, कंट्री नेम जैसे कि कुछ स्पेस वेस नहीं दे सकते, एक साथ ही लिखना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। जैसे कि IN दिया इंडिया, फिर स्टेट प्रोविंस आपका स्टेट का नाम कुछ दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे MZ दे दिया और लोकेलिटी AZ दे दिया, ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल नेम जैसे कि मेरा पॉलिटेक्निकल्स में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है वो मेंशन कर दीजिए, जैसे कि IT मैंने मेंशन कर दिया, और होस्ट नेम जो सर्वर है आपका LDAP का, उस सर्वर का नाम जो होस्ट नेम है वहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ DNS1Polytechnicals.com, मेरे सर्वर का होस्ट नेम यही है। अभी ईमेल में भी आप कुछ डाल सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने PT@gmail.com डाल दिया। तो ऐसे क्या हुआ, सर्टिफिकेट फाइल और की फाइल दोनों ही जनरेट हो गया। अभी मैं चेक करूँगा जो जनरेट हुआ है उस लोकेशन में दिखा रहा है कि नहीं। ये देखिए दोनों फाइल दिखा रहा है जनरेट हो गया, लेकिन दोनों का परमिशन रूट है, तो उसका परमिशन मैं चेंज करूँगा। तो उसके लिए CHOWN-R LDAP:LDAP मतलब LDAP को उसका परमिशन दे रहा हूँ, ये जो की फाइल मैंने और सर्टिफिकेट फाइल मैंने जनरेट किया है दोनों का, और उसके बाद एंटर। अभी फिर से चेक करता हूँ, ये देखिए दोनों का परमिशन चेंज हो गया, LDAP हो गया रूट से। और इस लोकेशन देखा, इस लोकेशन के अंदर दोनों फाइल है। अभी सर्टिफिकेट फाइल तो जनरेट कर दिया मैंने, अभी क्या करूँगा उस सर्टिफिकेट फाइल को फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उस जो डाटाबेस है LDAP का डिफ़ॉल्ट डाटाबेस उसमें डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ये जनरेट करना पड़ेगा cert.ldif फाइल, तो उसमें फिर से मेंशन करना पड़ा DN=CN config, उसके बाद क्या है चेंज टाइप मॉडिफाई, क्योंकि मुझे मैं मॉडिफाई करूँगा उस डाटाबेस को। फिर इसको रिप्लेस में क्या लिखूँगा, OCL मतलब OpenLDAP सर्टिफिकेट configuration TSL, ये एक TSL फाइल है, TSL या SSL जो भी बोल सकते हैं, TSL फाइल है, एक सर्टिफिकेट फाइल है, तो OLC TSL सर्टिफिकेट फाइल उसका नाम मैं देता हूँ। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा OpenLDAP का कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे ही, तो OLC TLS सर्टिफिकेट फाइल, और इसका लोकेशन दे दूंगा जो फाइल कहाँ पे है, /etc/OpenLDAP/CERTS, और उसके बाद सर्टिफिकेशन का नेम, जैसे कि मेरा नाम सर्टिफिकेशन का नाम है poltech.pem, तो यहाँ पे वही लोकेशन मेंशन करूँगा जो यहाँ पे सर्टिफिकेट फाइल है। यहाँ पे हर जगह पे मैं OLC मेंशन किया हूँ, तो OLC मतलब OpenLDAP कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका डिफ़ॉल्ट कमांड से वही है, इस टाइप का लिखने से आपका वो जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या करूँगा, ये तो एक सर्टिफिकेट फाइल जनरेट का लोकेशन दे दिया, अभी की फाइल का लोकेशन देना है मुझे, तो सेम वही लिखिए DNCN config चेंज टाइप मॉडिफाई रिप्लेस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा OLC TLS सर्टिफिकेट की फाइल, पहले मैं लिखा था सर्टिफिकेट फाइल, अभी होगा सर्टिफिकेट की फाइल।
तो सर्टिफिकेट की फाइल और नीचे OLCTL सर्टिफिकेट की फाइल का लोकेशन, यहाँ पे की फाइल नहीं डाला था, की फाइल, और अभी की फाइल का लोकेशन डाल देता हूँ। सेम वही लिखे OLCTL सर्टिफिकेट की फाइल, और की फाइल का लोकेशन कहाँ पे है और इसका नाम, जैसे कि /etc/opendeldep/certs/poltechkey.pem जो मेरा सर्टिफिकेट का नाम, की फाइल का नाम है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने ये लोकेशन कहाँ है सर्टिफिकेट का, और ये क्या सर्टिफिकेट है ये पूरा मेंशन कर दिया यहाँ पे, और इस फाइल को अभी सेव कर दूंगा। सेव करके क्या करूँगा, इस फाइल को भी उस जो डिफ़ॉल्ट डाटाबेस है OpenLDAP का उसमें अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए क्या कमांड है आपको पता ही है, LDAP modify -y external -h और LDAP i --f और फाइल का नाम certs.ldif। इसमें भी अगर कुछ लिखने में कमांड कुछ गलती होता है आपका जो फाइल के अंदर, तो ये अपडेट नहीं होगा। देखिए अभी कुछ गलती नहीं है, लेकिन इसलिए पूरा अपडेट हो गया है। अभी टेस्ट करूँगा /etc/sleptest-u से कि कॉन्फ़िगरेशन में ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्फ़िग फाइल टेस्ट सक्सीड, तो मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा सक्सेसफुल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी कॉपी करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है, जो है यूज़र शेयर OpenLDAP सर्वर, उसके अंदर db config.example बोल के उसके उसको कॉपी करके कहाँ रखूँगा, var lib LDAP में, और उसका नाम दूंगा db_config। इस नाम से मैं क्या करूँगा, जो डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको कॉपी करूँगा LDAP सर्वर का। अभी उसका परमिशन चेंज करूँगा रूट से LDAP, मतलब LDAP फोल्डर के जितना भी फाइल है सबका परमिशन में चेंज करके LDAP कर दिया। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अभी मुझे स्कीमा ऐड करना पड़ेगा। स्कीमा क्या है, जो यूज़र इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा, यूज़र डाटा ग्रुप का इन्फॉर्मेशन सब, उसको अपडेट करने के लिए स्कीमा ऐड करना पड़ता है। तो मुझे अभी स्कीमा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे तीन स्कीमा है, कोसाइन, NIS और INET। अभी cosine.ldif एक स्कीमा में ऐड करता हूँ, ये हो गया। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है NIS.ldif, उसको भी मैं ऐड करता हूँ, और एक ही बाकी है वो है INET.org/person.ldif। ये तीन स्कीमा है जो मैं ऐड करता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन में। अब एक्चुअली स्कीमा किस लिए चाहिए, स्कीमा चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए OpenLDAP में, या फिर आपका जो क्लाइंट डेफिनेशन होगा, फिर जो मॉडिफाई होगा, या फिर उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो डाटा होगा, सब उसका स्कीमा में अपडेट होगा। जितना भी डाटा डेफिनेशन है, जितना भी एट्रीब्यूट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसका सब इन्फॉर्मेशन स्कीमा में अपडेट होगा, तो इसलिए LDAP स्कीमा चाहिए। तो अभी तो LDAP तीनों स्कीमा मैंने ऐड कर लिया है। अभी ऐड करने के बाद अभी नेक्स्ट जो है वो क्या करूँगा, मैं एक base.ldif बोल के एक फाइल क्रिएट करूँगा, जिसमें मेरा डोमेन का पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा। मेरा जो डोमेन DNS सर्वर है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा इसमें, और इसको फिर से डाटाबेस में अपडेट कर दूंगा, ताकि कोई भी यूज़र मेरा डोमेन का हो इस यहाँ पे एक्सेस कर पाए, डोमेन यूज़र इस LDAP को एक्सेस कर पाए या फिर इसमें लॉगिन कर पाए। तो इसके लिए देख लीजिए जो कमांड में लिख रहा हूँ, वही DN में क्या करता हूँ, मैं डोमेन का इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ DC=PolTechnicals, और यहाँ पे नेक्स्ट डोमेन कंट्रोलर में लिख रहा हूँ मैं क्या, वो कॉलन छूट गया, PolTechnicals जो मेरा डोमेन कंट्रोलर का नाम है। अभी नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लास, अभी ऑब्जेक्ट क्लास इसमें डालूँगा, ऑब्जेक्ट क्लास होगा टॉप, फिर नेक्स्ट और एक ऑब्जेक्ट क्लास होगा जो डोमेन, जो मेरा मेन प्राइमरी डोमेन है उसी का यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इसीलिए।
अभी नेक्स्ट आपका जो एंट्री होगा वो है जो यूज़र है डाटाबेस एडमिन, जो LDAP डाटाबेस एडमिन का जो यूज़र है LDAP एडिम, उसका एंट्री डालूंगा मैं, क्योंकि वही मॉडिफाई कर पाएगा, वही यूज़र मॉडिफाई कर पाएगा हर चीज़ को। यूज़र डोमेन का जितना भी यूज़र है या LDAP का जितना भी यूज़र है उसको मॉडिफाई या फिर ऐड कर पाएगा, तो इसी का इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। सेम वही ऑब्जेक्ट क्लास होगा ये, ऑर्गेनाइजेशनल रोल और आपका CN होगा LDAP एडमिन, मतलब LDAP ADM जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है वही है। आप उस नाम को आप LDAP एडमिन भी दे सकते हैं, मैंने LDAP ADM दिया है। अभी डिस्क्रिप्शन होगा ये क्या है, LDAP मैनेजर है, इसी के पास फुल परमिशन है, तो डिस्क्रिप्शन ही LDAP मैनेजर। अभी नेक्स्ट जो एंट्री मैं करूँगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, जिसका डोमेन का नॉलेज नहीं है तो उसको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। ये है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, अगर आपको चाहिए तो मैं और एक डोमेन का DNS सर्वर का एक मैं क्रिएट वीडियो बना के नेक्स्ट शेयर करूँगा, जिसको डोमेन नहीं पता उसके लिए। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट देखिए पीपल, फिर भी डोमेन कंट्रोलर का नाम polytechnicals.com, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट क्लास होगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और OU होगा पीपल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का जो ऑब्जेक्ट है वो है पीपल। अभी नेक्स्ट और एक एंट्री डालना पड़ेगा ग्रुप के लिए, ये भी सेम होगा, मैं उससे कॉपी कर लेता हूँ पूरा लाइन, सिर्फ मॉडिफाई कर दूंगा कॉपी करके, ताकि मुझे फिर से एंट्री ना करना पड़े। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया, अभी मॉडिफाई कर देता हूँ इसको। OU की जगह पीपल की जगह होगा ग्रुप, ग्रुप के लिए है। एक्चुअली ये में क्या है, जितना भी डोमेन यूज़र होगा, जितना भी डोमेन ग्रुप होगा, वो इस LDAP को एक्सेस कर पाए, उसके लिए ये फाइल है। तो यहाँ पे लिख दिया ग्रुप, अभी उसका फाइल को मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा, फिर को फाइल को डिफ़ॉल्ट जो LDAP डाटाबेस है उसमें अपडेट कर दूंगा। तो सेम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, LDAP ऐड, पहले क्या करते LDAP मॉडिफाई करके करते थे, अभी इसको क्या करना, ऐड करना पड़ेगा LDAP ऐड। तो इसमें हेल्प में जी के LDAP ऐड में क्या क्या ऑप्शन है यहाँ में आप देख पाएंगे, हाइफेन एच के लिए क्यों इसलिए यूज़ होता है, हाइफेन वाई किस लिए यूज़ होता है, आप हेल्प LDAP मॉडिफाई हेल्प डाल के भी देख सकते हैं, LDAP ऐड जो है उसमें हेल्प डाल के देख सकते हैं। तो हमको चाहिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए होगा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्मॉल एक्स किस लिए यूज़ होता है, सिंपल ऑथेंटिकेशन, ताकि जब ऐड करूँगा तो उसके ऑथेंटिकेट हो, इसलिए सिंपल ऑथेंटिकेशन के लिए एक्स चाहिए होगा, W चाहिए होगा, प्रॉम्प्ट फॉर बाइंड पासवर्ड, मतलब डोमेन जो बाइंड हो रहा है इस पर उसका जो उसके लिए पासवर्ड चाहिए होगा, मतलब LDAP का जो डाटाबेस का रूट पासवर्ड है उससे ऑथेंटिकेट हो, इसलिए तो हमको ये तीनों चाहिए होगा, X, W और D। D किस लिए होगा, बाइंड DN, मतलब डिस्टिंग्विश नेम, तो हमको डिस्टिंग्विश नेम इसमें बाइंड करना पड़ेगा, तो इसलिए LDAP -X -W -D, ये तीनों ऑप्शन किस लिए है आप देख पा रहे हैं, हेल्प में टाइप करने से देख पाएंगे आप। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको CN नेम और पूरा डोमेन का डालना पड़ेगा। तो CN नेम में क्या होगा, जो एडमिन यूज़र होगा LDAP एडमिन डाटाबेस एडमिन होगा उसका एंट्री होगा, फिर मेरा डोमेन एंट्री होगा, मेरा डोमेन कंट्रोलर उसका स्पेसिफाई करूँगा मैं डोमेन कंट्रोलर के polytechnicals.com। तो इससे क्या होगा, जो डाटाबेस एडमिन होगा और इस डोमेन के अंदर है वो भी मेंशन हो जाएगा उस LDAP डाटाबेस में। तो ये देखिए मैं टाइप करके क्या करूँगा, इसको एंटर कर दूँगा, लास्ट में जो base.ldf फाइल बनाया है उससे अपडेट लेगा जितना भी अपडेट है। अभी लिखिए, फिर से दिखा रहा हूँ किस लिए चाहिए, XWD, देख लीजिए अच्छे से, और आपको कन्फ्यूजन हो फिर से आप हेल्प मांग के देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एंट्री करने से पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने WD दिया है इसलिए, तो पासवर्ड जो उसका मेन पासवर्ड होगा एडमिन का, जो रूट पासवर्ड है
इस आपका LDAP डाटाबेस का वो पासवर्ड देना पड़ेगा। देखिए वो पासवर्ड एंट्री करने के बाद आपका एडिंग न्यू एंट्री, मतलब ये सक्सेसफुली एंट्री हो गया आपका, जितना भी इन्फॉर्मेशन डोमेन का सक्सेसफुली एंट्री हो गया LDAP एडमिन, पीपल और ग्रुप का। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लगभग हो चुका है, अभी सिर्फ हमको यूज़र क्रिएट करना है जो ये LDAP यूज़र होगा। तो उसके लिए यूज़र एट LDAP यूज़र 1 और एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ जो LDAP यूज़र 2 है। यूज़र ऐड करना पड़ेगा, यूज़र एट LDAP यूज़र 2, ये दोनों यूज़र मैंने ऐड कर दिया है सक्सेसफुली। अभी क्या करूँगा, दोनों यूज़र को पासवर्ड दे दूँगा। तो पासवर्ड में से डायरेक्टली लिख के दे देता हूँ इको करके, इको पासवर्ड पासवर्ड पाइप पास डब्ल्यू डी हाइफन हाइफन एस टी डी आई एन LDAP यूज़र 1। यहाँ पे पास डब्ल्यू डी लिखना मिस कर दिया, पास डब्ल्यू डी एस टी डी आई एन LDAP यूज़र 1, ये LDAP यूज़र 1 के लिए पासवर्ड है। आप दूसरा ही पासवर्ड दे सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको ये पासवर्ड घर हटा के LDAP यूज़र 1 डाल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में पासवर्ड भूल गया तो इसका यूज़र नेम देख के मुझे पता चल जाएगा पासवर्ड क्या है। यदि सक्सेसफुली पासवर्ड ऐड हो चुका है, सेम LDAP यूज़र 2 के लिए मैं उसका पासवर्ड डालूँगा LDAP यूज़र 2 और यहाँ पे LDAP यूज़र 2 ये यूज़र नेम है। तो दोनों का पासवर्ड सेट हो चुका है, LDAP यूज़र 1 और LDAP यूज़र 2 का, और सेम दोनों का यूज़र नेम जो है वही पासवर्ड डाल दिया मैंने। अभी तो जो सर्वर सेटअप है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो और एक चीज़ करना होगा, अभी यहाँ पे देखिए एक टूल्स है माइग्रेशन टूल्स बोल के, जो माइग्रेशन टूल मैं पहले इंस्टॉल कर दिया था जो इंस्टॉलेशन के साथ। तो माइग्रेशन टूल से क्या करूँगा, ये दो यूज़र जो मैंने बनाया है उसका तो ग्रुप भी क्रिएट होगा, तो उस माइग्रेशन टूल के हेल्प से मैं क्या करूँगा, उस यूज़र और ग्रुप का इन्फॉर्मेशन भी मैं जो डाटाबेस है LDAP का उसमें डाल दूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए gr grep LDAP यूज़र, जितना भी LDAP यूज़र है मेरा इस मशीन में etc pass wd के अंडर मेंशन किया हुआ, उसको मैं क्या करूँगा एक फ़ाइल में कॉपी कर दूंगा। वो फाइल रूट के अंदर मैं यूज़र्स बोल के एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, उस फाइल में मैं वो LDAP यूज़र का इन्फॉर्मेशन कॉपी कर दिया। अभी ग्रुप LDAP यूज़र तो ठीक है, और etc pass wd का ग्रुप होगा, etc के अंदर LDAP यूज़र का जितना भी ग्रुप है उसको भी मैं और एक ग्रुप्स बोल के एक फुल फाइल बना के रूट के अंदर इसको कॉपी कर देता हूँ। अभी चेक कीजिए दोनों फाइल को, यूज़र का और ग्रुप का इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। यहाँ पे देखिए पहले देखते हैं यूज़र्स में, ये देखिए दोनों LDAP यूज़र का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी हो चुका है, यूज़र का नाम, ग्रुप आईडी, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, सब कुछ, लोकेशन। नेक्स्ट ग्रुप के लिए देखता हूँ, वो भी सेम ग्रुप का आईडी और नाम दोनों आ गया है। अभी क्या करूँगा, इसको माइग्रेट करूँगा, मतलब इसको कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए टूल्स यूज़ होता है, जो माइग्रेशन टूल यूज़ होता है वो है यूज़र शेयर माइग्रेशन टूल्स के अंदर। तो पहले कुछ एडिट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लमजी हो गया है, माइग्रेट अंडरस्कोर कॉमन डॉट पीएच को हमको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, उसमें डोमेन कंट्रोलर वगैरह डोमेन का नाम ऐड करना पड़ेगा। अभी थोड़ा हमको लिस्ट में दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से पता चलेगा। ओप्स सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए आप पूरा अच्छे से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है सब टूल्स का नाम, ये सब टूल्स है, माइग्रेट पास डब्ल्यू डी डॉट पी एल, माइग्रेट अंडरस्कोर ग्रुप डॉट पी एल, ये सब टूल्स है, इससे हम लोग क्या करें माइग्रेट करेंगे। अभी फिलहाल माइग्रेट अंडरस्कोर कॉमन डॉट पी एच जो है उस फाइल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, एडिट करूँगा, उसमें हमारा डोमेन नेम वो डाल दूँगा इसमें। तो उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ VA एडिटर से, और उसमें ओपन करके 71 लाइन पे जाना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, मैं लाइन नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। उसके लिए जो कमांड है लाइन नंबर के लिए, कॉलन देख के आप SEI-NU, ये देखिए लाइन नंबर आ चुका है। तभी फिलहाल डायरेक्टली मैं 71 पे चला जाता हूँ, लाइन नंबर 71। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 71 पे जाके हमें जो एडिट करना पड़ेगा डोमेन नेम,
यहाँ पे डालना पड़ेगा मेरा डोमेन नेम जो है polytechnicals.com। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ polytechnicals.com और उसके बाद अभी यहाँ पे भी 74 नंबर जो लाइन है उसमें भी एडिट करना पड़ेगा polytechnicals.com, मेंशन करना पड़ेगा डोमेन कंट्रोलर जो है, और जाना पड़ेगा हमको 90 लाइन नंबर 90 पे जाके जो स्कीमा है उसको वन कर देता हूँ। स्कीमा वन करने से क्या होगा, जनरल ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो सबको सपोर्ट करेगा। अभी क्या करूँगा, अभी जो टूल यूज़ करके माइग्रेशन का, मैं जो यूज़र और जो ग्रुप दो फाइल बनाया है उसको माइग्रेट करूँगा। तो उससे पहला जो होगा वो क्या है, माइग्रेट अंडरस्कोर पास डब्ल्यू डी डॉट पी एल। हाँ, ये टूल से क्या करूँगा, जो पास मैंने यूज़र जो क्रिएट किया है उसका इन्फॉर्मेशन मैं एक माइग्रेट कर दूँगा यूज़र डॉट एल डी आई फाइल में। डॉट एल डी आई फाइल होने से क्या होता है, वो फाइल मैं डायरेक्टली माइग्रेट कर सकता हूँ डाटाबेस में, या फिर अपडेट कर सकता हूँ डाटाबेस में एल डी एफ का। तो ये देखिए ऐड हो चुका है, अपडेट हो चुका है यूज़र्स डॉट एल डी आई में यूज़र का इन्फॉर्मेशन। अभी ग्रुप के लिए की मुझे सेम करना पड़ेगा ग्रुप के लिए, उसके लिए जो टूल्स है वो ग्रुप डॉट पी एल होगा। हाँ, ये देखिए ग्रुप डॉट पी एल जो टूल्स है उससे क्या करूँगा, जो मेरा ग्रुप बोल के एक फाइल क्रिएट किया है ग्रुप्स बोल के, तो उसको भी मैं एल डी आई फाइल में कन्वर्ट कर दूँगा ग्रुप्स डॉट एल डी आई। एंटर, तो ये भी अपडेट हो चुका है। अभी अपडेट होने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये फाइल को मुझे दोनों फाइल को फिर से डाटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा। तो वही कमांड ये कमांड नहीं होगा, वो इसको ऐड करने के लिए कमांड होगा ldep-x-w-d, जो मैंने पहले दिखाया था एक्स डब्ल्यू और डी किस लिए होता है फिर से देख लीजिएगा, या फिर ldep-fl हेल्प देके भी देख सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ मेरा cn नेम जो है ldep admin जो रूट यूज़र है डाटाबेस का, और मेरा डोमेन कंट्रोलर नेम polytechnicals.com dc=polytechnicals.com ऐसे ही मेंशन करते हैं डोमेन कंट्रोलर को। उसके बाद फाइल नेम जो फाइल से अपडेट होगा, -f मतलब फाइल जिस फाइल से आप अपडेट करना चाहते हैं उसका लोकेशन दे दीजिए रूट के अंदर रूटफोल्डर के अंदर यूजर्स डॉट एल डी आई फाइल और एंटर। ये आपका रूट का पासवर्ड मांग रहा है, ldep का जो रूट है उसका पासवर्ड जो पहले आपने सेट किया था, पासवर्ड देके ये देखिए अपडेट हो चुका है इसका इन्फॉर्मेशन, ldep यूज़र वन ldep यूज़र दोनों डाटाबेस में अपडेट हो चुका है, मतलब ये दोनों यूज़र ldep का डाटाबेस में एंट्री हो चुका है। अभी ग्रुप को डालना पड़ेगा, उसके लिए जो ये ग्रुप्स यूज़र की जगह में ग्रुप्स डॉट एल डी आई एफ फाइल डाल दूंगा और एंटर, फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रुप देखिए यहाँ पे ग्रुप भी अपडेट हो चुका है। तो क्या है, जो मैंने जो सर्वर में दो यूज़र बनाए हैं ldep यूज़र वन और ldep यूज़र टू, दोनों का इन्फॉर्मेशन मेरा ldep का डाटाबेस में अपडेट हो चुका है। तो अभी क्या करूँगा, किसी भी क्लाइंट से मैं डाटा सर्वर को एक्सेस करके उस दोनों यूज़र से मैं लॉगिन कर पाऊँगा अगर वो ldep क्लाइंट हुआ तो। तब मैं फिर से दिखा देता हूँ किस लिए मैं एक्स डब्ल्यू और डी यूज़ करता हूँ, और अभी फ़िलहाल वो एक कमांड है देखिए बी किस लिए यूज़ होता है -b, वही सेम ldep सर्च के लिए। एक्चुअली अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे ldep सर्च करना पड़ेगा, मतलब मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक ठाक हुआ कि नहीं उसके लिए ldep सर्च करना पड़ेगा। तो ldep सर्च में मुझे क्या चाहिए होगा, -x, उसके बाद मेरा cn नेम ldep यूज़र वन जो मेरा ldep का नाम होगा यूज़र का नाम है, और -b, तो b किस लिए यूज़ होता है मैंने दिखा दिया हेल्प में टाइप करके, ldep सर्च हेल्प में टाइप करके देख सकते हैं किस लिए यूज़ होता है बी। उसके बाद मेरा डोमेन कंट्रोलर का नाम dc=polytechnicals.com, ये देखिए मैंने ये जो ldep यूज़र ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ये मतलब चेक करने के लिए ldep सर्च करके वो यूज़र जो मैंने ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हुआ कि नहीं डाटाबेस में।
वैसे ही मैं LDAP यूज़र 2 के लिए भी मैं सेम करूँगा, सर्च करके देखूँगा वो ऐड हुआ कि नहीं। यहाँ पे पहले देख लीजिए अच्छे से यूज़र आईडी वगैरह ठीक है कि नहीं, ऑर्गेनाइज यूनिट ठीक है कि नहीं, दिखा रहा है कि नहीं। अभी फिर से LDAP यूज़र 2 के लिए देखता हूँ। तो देखिए ये भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, उसका ग्रुप आईडी यूज़र आईडी सब कुछ दिखा रहा है LDAP का डाटाबेस में। तो इससे क्या कि हम लोग जो लोकल यूज़र है उसको इंपोर्ट कर दिया LDAP डाटाबेस में, या फिर मतलब इन दोनों को यूज़र को मैंने LDAP यूज़र बना दिया। अभी पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है LDAP का टोटल जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो ठीक से हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए ये कमांड है LDAP सर्च x-x-b DC पॉलिटेक्निकल्स DC=com और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास, जितना भी ऑब्जेक्ट क्लास है एंट्री हुआ है जितना भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो क्या करूँगा मैं चेक करूँगा ठीक ठाक से हुआ कि नहीं, उसमें कुछ एरर दे रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी जितना भी ऑब्जेक्ट क्लास है वो सब दिखा रहा है, मतलब जितना भी यूज़र है एडमिन है LDAP का सब यहाँ पे मेंशन हो रहा है। फिर डोमेन कंट्रोलर क्या ऐड हुआ है यहाँ पे सब दिखा रहा है। देखिए polytechnicals.com डोमेन कंट्रोलर है जो डाटाबेस का या फिर जो LDAP का जो रूट यूज़र है एडमिन वो दिखा रहा है, LDAP एडमिन उसका डोमेन कंट्रोलर क्या है वो भी दिखा रहा है। मतलब जितना भी अभी तक ऑब्जेक्ट क्लास हम लोग ऐड किया है, जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड किया है डाटाबेस में सब यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों लगभग ये LDAP सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, अभी सर्वर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन बाकी नहीं है। अब जो करना है हमको हमको क्लाइंट पे जाके करना है। और एक चीज़ कर सकते हैं, हाँ अगर आपका फायरवॉल ऑन है तो आपको फायरवॉल में जो LDAP का पोर्ट है वो ऐड कर सकते हैं ताकि फायरवॉल ब्लॉक ना करे। यहाँ पे मेरा फायरवॉल डिजेबल है तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सब शो कर आपको दे दूँगा कैसे फायरवॉल में ऐड करते हैं LDAP को। यहाँ पे देखिए मैंने RSys log एक फाइल मैंने ओपन किया है। यहाँ पे RSys log मतलब जहाँ पे सिस्टम का लॉग जनरेट होता है, तो उसमें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया नीचे देखिए local4.*var/log/LDAP log, मतलब LDAP का जितना भी लॉग है वो क्या करेगा इस फाइल में रिडायरेक्ट हो जाएगा। LDAP के लिए जितना भी लॉग होगा वो सिस्टम लॉग की वजह डायरेक्टली मैंने रिडायरेक्ट कर दिया var log के अंदर LDAP.log बोल के। तो जितना भी एरर या फिर कुछ क्या आपका लॉग अगर देखना चाहते हैं LDAP में क्या एरर आया, कुछ परेशानी आई, कोई यूज़र क्यों नहीं लॉग इन कर पा रहा है, तो ये सेपरेट कर दिया उसके लिए लॉग। तो इस लॉग में जाके हम लोग देख सकते हैं कि एरर क्या है LDAP का। तो इसके लिए मैं कहाँ पे गया, /etc/RSys log जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट लॉग जहाँ पे लॉग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पे है वो। अभी क्या करूँगा systemctl रिस्टार्ट वो लॉग, जो लॉग मैंने सेटअप किया है उसको रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अपडेट हो जाए। तो फिलहाल सर्वर में इतना ही, अभी क्लाइंट सेटअप भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, इसके लिए फिर सेपरेट वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में दिखा रहा हूँ क्लाइंट और सर्वर का सेटिंग्स। तो ये मेरा क्लाइंट है जिसका IP है 80.120, यूज़र नेम है टेस्ट। तो मैं क्लाइंट में लॉगिन करता हूँ। क्लाइंट में लॉगिन करने के बाद मैं चला जाता हूँ सुपर यूज़र पे, मतलब रूट पे जाके मैं इसका भी EM एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ फाइल मुझे एंट्री इंस्टॉल करना पड़ेगा EM से। तो हाँ इसका भी रेपो ठीक है, रेपो फाइल जो है मतलब मैं आराम से इसमें भी इंस्टॉल कर सकता हूँ जितना भी फाइल चाहिए होगा। तो EM इंस्टॉल ओपन LDAP क्लाइंट और NSS PAM LDAP, ये दो फाइल मुझे ये जो पैकेज मुझे चाहिए LDAP क्लाइंट में। तो LDAP क्लाइंट में मैं दो पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पोस्ट कर देता हूँ उसको यस करके। हाँ ये इंस्टॉल हो चुका है,
ये दोनों फाइल। अभी देखिए, मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैसे दिखाया था, ऑथ कॉन्फ़िग TUI करके ग्राफिकल मोड में जाके आप यहाँ पे यूज़ LDAP और यूज़ LDAP ऑथेंटिकेशन जो है वहाँ पे टिक करके आप नेक्स्ट करके आपका सर्वर IP वगैरह सब कुछ, ये दोनों टिक करके मैं नेक्स्ट करके आप सर्वर IP देके जो LDAP का सर्वर का IP है वहाँ पर यहाँ पे मेंशन करके कैसे सेटअप कर सकते हो, मैंने पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। लेकिन अभी मैं ये नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा कमांड से। कमांड से क्या होगा, आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि उसका होम फोल्डर भी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए जो कमांड है ये देखिए, auth config enable LDAP, enable LDAP करके -- enable LDAP authentication जो है auth AUTH बोल के ऑथेंटिकेशन दिया, उसके बाद सर्वर LDAP सर्वर का IP एड्रेस और नेक्स्ट जो है -- करके मैं क्या दूंगा LDAP बेस DN मतलब डिस्टिंग्विश नेम जो है वो मेंशन करूंगा क्या है। मेरा यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश नेम है वो है DC करके मेरा डोमेन का उस पर वो मेंशन करूंगा, मेरा डोमेन नाम नेम जो है DC=polytechnicals.DC=com वो कोटेशन के अंदर होगा दोनों -- enable mk होम DIR मतलब मेक होम डायरेक्टरी एनेबल मेक होम डायरेक्टरी -- अपडेट मतलब ये क्या होगा, इस कमांड से जो भी यूज़र मैं ये क्या कर रहा हूँ ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ वो जो कोई भी यूज़र अगर LDAP सर्वर में लॉगिन करे तो उसका होम फोल्डर डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ जो कमांड से कॉन्फ़िगरेशन किया है उसके बाद ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे सब कुछ अपडेट हो चुका है जो हमको चाहिए था एक LDAP क्लाइंट सेटिंग्स में। तो ये जो है ग्राफिकल को मैंने कमांड से डिस्क्राइब किया है। अभी क्या करता हूँ, क्लाइंट सर्वर सर्विस जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ या फिर रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो क्लाइंट सर्विस क्या है, NSLCD वो है LDAP क्लाइंट सर्विस, तो उसको मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। अभी इस क्लाइंट में LDAP सर्विस रन हो चुका है। अभी क्या करूँगा, getEnd passwd और यूज़र नेम जो मैं LDAP यूज़र क्रिएट किया हूँ सर्वर में उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए getEnd passwd देने से उस यूज़र का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है मेरा क्लाइंट पे, भले ही मेरा इस क्लाइंट में देखिए होम फोल्डर में दिखा रहा हूँ कोई भी यूज़र क्रिएट नहीं है LDAP यूज़र 1 बोल के। मैं passwd फोल्डर में जाके दिखा रहा हूँ आपको, passwd जो फाइल है उसमें पूरा यूज़र इन्फॉर्मेशन रहता है। एक लिनक्स कोई भी मशीन में अगर यूज़र क्रिएट करता है तो इस फाइल में पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए LDAP यूज़र 1 के लिए वो डायरेक्टली सर क्या कर रहा है, सर्वर से ले रहा है, LDAP सर्वर जो है उससे पूरा इन्फॉर्मेशन ले रहा है LDAP यूज़र 1 का और LDAP यूज़र 2 का। देखिए यहाँ पे पूरा दिखा रहा है। अभी क्या करूँगा, अभी मैं लॉग इन करूँगा उस एक यूज़र पे SU करके SU-LDAP user1। अभी देखिए डायरेक्टली लॉगिन हो चुका है PWD, कोई पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि मैं रूट से लॉगिन किया हूँ। जो क्लाइंट है क्लाइंट में जो रूट यूज़र है उसमें फुल ऑथेंटिकेशन है, इसमें मैंने रूट से लॉगिन किया हूँ इसलिए मुझे कोई पासवर्ड नहीं मांगा यहाँ से। और आप देखिए PWD करके मैंने लोकेशन देखा है, होम के अंदर LDAP यूज़र बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है क्योंकि मैंने कमांड पे दिया है मेक होम फोल्डर, तो इसीलिए। अभी एक्चुअली ये क्या है, ये रूट से लॉगिन हूँ मैं इसलिए अभी एग्जिट कर दिया। मैं नॉर्मल यूज़र से करके देखता हूँ एक बार, LDAP यूज़र 1 नॉर्मल यूज़र से मैं लॉगिन कर रहा हूँ LDAP यूज़र पे। ये देखिए नॉर्मल यूज़र से करने से उसका पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड क्या होगा, जो यूज़र का पासवर्ड आपने सेट किया है सर्वर में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था LDAP यूज़र 1 का पासवर्ड मैंने LDAP यूज़र 1 ही सेट किया है तो उसी से ही लॉगिन होता है। ठीक वैसे ही मैं आपको अभी होम फोल्डर में देखिए एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है लॉगिन करने के बाद। जब भी मैंने LDAP यूज़र 1 से लॉगिन किया है होम फोल्डर में ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, तो इसके लिए मुझे FSTAP में जाके कोई पाथ देना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली माउंट हुआ है। अभी LDAP यूज़र 2 भी लॉगिन करके देखता हूँ, यहाँ से पासवर्ड है LDAP यूज़र 2 जो मैंने सर्वर में मेंशन किया था। ये देखिए ये भी लॉगिन हो चुका है LDAP यूज़र 2 बोल के लॉगिन हो चुका है। और ये PWD देखिए आप होम में LDAP यूज़र 2 के लिए भी एक फोल्डर क्रिएट होगा। अभी फिर से दिखाता हूँ आपको होम फोल्डर
होम फोल्डर में देखिए, देखिए एल टाइप यूजर और एल टाइप यूजर टू दोनों के लिए फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैंने पूरा डिटेल्स दे दिया है एल टाइप सर्वर और एल टाइप क्लाइंट का कैसे सेटअप करते हैं, एक एक चीज़ एक एक कमांड्स का डिटेल्स दे दिया हूँ। और भी कुछ डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेरा वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मतलब एक डॉक्यूमेंट फाइल मैंने शेयर किया हूँ, उस पर पूरा सब कुछ लिखा होगा डिटेल्स में। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको वीडियोज़ देता रहूँगा लिनक्स का, टेक न्यूज़ का, तरह तरह के ट्यूटोरियल्स का और कुछ टेक वीडियोज़ भी शेयर करता रहूँगा। तो मेरा वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।